हेलो फ्रेंड्स, आया है और आप देख रहे हैं डेली डिजिटल दोस्त। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है उसके बारे में बताऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है आर्टिकल लिखने के बाद कैसे करते हैं, जिससे कि आपका जो आर्टिकल है वो रैंक भी होगा और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी लेके आएगा। अगर तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर अगर आप नया है तो आपको पता है क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ये मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लॉगर पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, एक पोस्ट के थ्रू एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल लिखने के पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। कीवर्ड रिसर्च पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जिसका मैं लिंक जो है आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज, जब हम पोस्ट लिखने के लिए आते हैं तो सबसे पहला चीज होता है वो टाइटल। टाइटल जो आपको लिखना है वो मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स तक का होना चाहिए और इस 60 कैरेक्टर में ये जो वाइट स्पेस है ये भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये वाइट स्पेस के साथ 60 कैरेक्टर काउंट होता है, तो आप कोशिश करें कि बस 60 कैरेक्टर ही हो, 60 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। और इस 60 कैरेक्टर में सब आपका जो मेन कीवर्ड है वो स्टार्टिंग में अगर हो तो काफी अच्छा है, लास्ट में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर होता है तो काफ़ी अच्छा है। तो आपको अपना जो मेन कीवर्ड है वो स्टार्टिंग में रखना है। अब जैसे ये मेरा आर्टिकल है वो वेट लॉस का एक आर्टिकल है, तो यहाँ पर मेरा दो कीवर्ड है, तो ये लूज वेट जो है ये मेरा मेन कीवर्ड है और एक वेट लॉस टिप्स है। ठीक है, मैंने दोनों मेन कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड दोनों को यहाँ यूज़ कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, टाइटल आपने लिख लिया तो टाइटल लिखने के बाद आपको सबसे पहले ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें आपका जो मेन कीवर्ड है ये इंक्लूड होना चाहिए। जब हम ऑन पेज एसईओ करते हैं तो मेन हम जो एसईओ करते हैं उसमें कीवर्ड का ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो कीवर्ड में क्या है कि सबसे पहला जो मेन कीवर्ड मेरा लूज वेट है वो आपका जो है इस जो पहले वाला जो पैराग्राफ है इसमें होना चाहिए या 100 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लूज वेट जो है वो मेरा मेन कीवर्ड है, तो लूज वेट यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप ब्लॉगर में काम कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले पैराग्राफ के बाद आपको पेज ब्रेक लगाना है। ठीक है, क्योंकि अगर पेज ब्रेक नहीं लगाओगे तो आपका जो मेन पेज है उस पर सिर्फ और सिर्फ दो ही आर्टिकल या वन आर्टिकल दिखाएगा, क्योंकि ब्लॉगर सिर्फ 1 MB का इंटरफेस जो है मेन पेज पे सपोर्ट करता है। पेज ब्रेक कहाँ से लगाना है, तो आपको इस 3 डॉट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ ये पेज ब्रेक का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करोगे तो पेज ब्रेक ये जो इस तरह का लाइन एक आ जाएगा इसको पेज ब्रेक बोलते हैं। उसके बाद आपको फीचर्ड इमेज लगाना है। फीचर्ड इमेज आपको ब्लॉगर में पहले पैराग्राफ के बाद आप लगाओगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा पहला इमेज होता है ब्लॉग का वो ब्लॉगर उसको अपना फीचर्ड इमेज बना लेता है, लेकिन आपको क्या करना है कि अपना एक फीचर्ड इमेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप एक अपना फीचर्ड इमेज इस तरह से बना करके यहाँ पर लगा सकते हैं। इमेज को ध्यान रहे कि इमेज भी ऑप्टिमाइज हो, उसका साइज जो है 50 KB से अंदर हो। इमेज को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले नीचे आना है और अब टाइटल लिखने के बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है ब्लॉग में। इंट्रोडक्शन आपको इस तरह से लिखना है कि जो भी आपके ब्लॉग पे आए वो एक तरह का हुक क्रिएट करे और वो पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो पढ़े। तो पूरा का पूरा आर्टिकल कैसे पढ़ेगा, जब तक उसको कोई फायदा नहीं हो रहा होगा तब तक वो पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेगा, या तो उसको कोई नॉलेज मिल रहा हो या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। अगर इस तरह की चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं की है, कोई भी यूजर जो आएगा वो आपका पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेगा। तो उसको सबसे पहला जो आपका जो 4 या 5 लाइन होता है इसी में वो हुक करना है। हुक कहाँ से करोगे, हुक करने के लिए आपको पेन पॉइंट खोजना जरूरी है। जब तक आप यूजर्स के पेन पॉइंट को नहीं समझोगे तब तक आप इंट्रोडक्शन सही से नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में पेन पॉइंट इंक्लूड करना होता है और उसको ही एक्सप्लेन करना होता है और ये बताना होता है कि हाँ अगर आप ये ब्लॉग पढ़ोगे तो आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन जो है मैं इस तरह से आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अब जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो मेरा पहला लाइन है, ये जो पहला 4 लाइन है इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सिर्फ पेन पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब जैसे कि वेट लॉस है तो वेट लॉस में क्या पेन पॉइंट हो सकता है, आप ये पूरा पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। इफ यू हैड ऑब्जर्व क्लोजली देन यू वुड हैव फाउंड दैट फैक्ट दैट गेनिंग वेट इज फ्रीकिंग इजी बट लूजिंग वेट इज अ पेन इन द एस। सही बात है, वेट गेन करना तो ईजी होता है लेकिन लॉस करना ईजी नहीं होता है, तो ये एक पेन पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे
वी ट्राई सो मेनी थिंग्स लाइक गोइंग टू जिम, ईटिंग अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, लीफी फूड्स, गिव अप ऑन आवर डिलीशियस स्नैक्स एंड स्ट्रीट फूड्स एंड सो ऑन. ये भी पेन पॉइंट है. वेट लॉस कम करने के लिए आदमी ये सारा चीज़ करता है लेकिन नहीं होता है. तो उसके बाद मैंने नीचे अब उसका क्या, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है और इसमें क्या उसको सॉल्यूशन मिलेगा ये मैंने डिस्क्राइब किया है. ठीक है, तो आप अब नीचे मैं आता हूँ. बाकी कीवर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड्स कैसे इंक्लूड करना है वीडियो में मैं बता चुका हूँ, पीछे वाला आप उसको देख लीजिएगा. तो पहला इंट्रोडक्शन जो आपका, जो भी 100 वर्ड्स में जो भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जो भी है, उसमें आपको पेन पॉइंट डिस्क्राइब करना है और उसका क्या आप सॉल्यूशन दोगे वो डिस्क्राइब करना है, ताकि यूजर जो है वो हुक हो जाए और फिर आपके ब्लॉग को पूरा पढ़े. उसके बाद एक दो क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो. क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा कोरा से, मिल जाएगा गूगल का जो क्वेश्चन होता है वहाँ से मिल जाएगा. अगर प्रोडक्ट रिलेटेड आपका ब्लॉग है तो आपको अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, वहाँ पे जो रिव्यूज़ आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं. अब जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पे अब कमेंट सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका कोई आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. तो वही सारी चीज़ें पेन पॉइंट होती हैं. ठीक है, उसी को, उसी का आपको आंसर देना होता है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके पास कोई नहीं आएगा. ठीक है, प्रॉब्लम जब सॉल्व होने लगती है तो लोग आपसे जुड़ने लगते हैं. तो यही मेन, जो कोई भी बिजनेस अगर है तो उसमें मेन जो फंडा होता है वो यही होता है कि कोई भी बिजनेस होता है वो यूजर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है. तो ब्लॉग में अब यहाँ से आप एक दो क्वेश्चन उठा लिया, एक दो क्वेश्चन के बारे में आपने लिख दिया कीवर्ड्स का ध्यान रखते हुए. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हो गया. इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद आपका एक H2 टैग जरूर होना चाहिए. ये जो, जैसे कि अब जो भी आप क्वेश्चंस का आंसर दोगे या क्वेश्चन जो भी आप लिखोगे उसका आंसर दोगे, तो ये क्वेश्चन हुआ या फिर अगर कोई हेडिंग यहाँ है तो आपको ब्लॉगर में यहाँ पे इसको हेडिंग बनाना है. जैसे आप देख सकते हो कि ये जो है इसको मैंने हेडिंग बनाना है. मेजर हेडिंग नहीं बनाना है, मेजर हेडिंग H1 टैग होता है. H2 टैग जो हमारा टाइटल होता है H1 टैग होता है, और ब्लॉग में सिर्फ एक ही H1 टैग होना चाहिए. बाकी H2 टैग आप 2 से 3 यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो मैक्सिमम. उसके बाद सब हेडिंग जो होता है वो H3 टैग होता है. तो H3 टैग आप कितना भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको हेडिंग जो होता है H2 टैग होता है, और इसको मैक्सिमम 4 से 5 आप यूज कर सकते हो. तो जो भी आपका ये हेडिंग है वो H2 टैग में होगा. तो आप क्वेश्चन लिख रहे हो या फिर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो या फिर उसमें कुछ भी, जैसे हेडिंग बना करके उसमें फिर आप सब हेडिंग्स डाल रहे हो, तो वो हेडिंग जो होगा वो H2 होगा और बाकी जो सब हेडिंग्स होंगे वो H3 टैग्स होते हैं. तो आपको पहले हेडिंग डालना है, फिर जो है उसका सब हेडिंग डालना है. अब जैसे यहाँ पे मैंने ये हेडिंग बना दिया, उसके बाद इसका आंसर दे दिया, उसके बाद इसको आप देखो, इसको मैंने सब हेडिंग बनाया क्योंकि ये इसके अंडर में आएगा. इसी तरह से आपको जो है बाकी आर्टिकल जो है इस तरह से लिखना है, हेडिंग और सब हेडिंग बना करके. अब आप कोशिश करें आपका जो सेंटेंस है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, सेंटेंस बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, पढ़ने में आसानी होनी चाहिए. मैक्सिमम एक सेंटेंस जो है 5-10 वर्ड्स कंटेन करे, इससे ज़्यादा नहीं. बाकी इस तरह से आपको पॉइंट वाइज जो है आप इस तरह से लिखोगे तो काफ़ी, जितनी रीडेबिलिटी अच्छी होगी उतना ज़्यादा गूगल इसको रेलिवेंसी प्रोवाइड करेगा. ओके, तो इसको फिर जो है गूगल इसको रैंक करेगा. तो मेन आपको यूजर के पर्पस से जब आप कुछ भी चीज़ लिखते हो तो यूजर के पर्पस से लिखो कि यूजर को कितनी आसानी हो आपके ब्लॉग में हर चीज़ फाइंड करने में. तो यहाँ पे ये हो गया. इस तरह से आपको देख सकते हैं ये कितना, मतलब मैंने इसको जिस तरह से लिखा हुआ है ये काफ़ी जो नीट एंड क्लीन है और पॉइंट वाइज है, सब हेडिंग है, सब कुछ जो है आपको यहाँ से दिख जाएगा. तो इस तरह से आपको सारा ब्लॉग लिखना है हेडिंग और सब हेडिंग का ध्यान रखते हुए. आप देख सकते हैं लास्ट में कंक्लूजन देना है पूरा, कि लास्ट में कंक्लूजन 3-4 लाइन में, और लास्ट में जब कंक्लूजन आप लिख रहे हो तो वहां पर भी आपका जो है वो मेन कीवर्ड जो है वो होना चाहिए. ऑन पेज SEO का यही मेन है कि आपका पहला पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ इसमें मेन कीवर्ड होना चाहिए. बाकी बीच के जितने भी हैं उसमें आपका जितने भी रेलिवेंट कीवर्ड्स उसको आप डाल सकते हैं, LSI कीवर्ड्स डाल सकते हैं,
उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे आर्टिकल तो लिख लिया, अब आर्टिकल लिखने के बाद क्या करना होता है। आर्टिकल जब आपने लिख लिया तो अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए पहले तो कीवर्ड्स हो गया, कीवर्ड्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद इमेज होता है, इमेज एसईओ करने के लिए इमेज का साइज कैसे रिड्यूस करना है वो मैंने बता दिया है। बाकी इमेज का जो एसईओ, अब जैसे ये इमेज है तो इस इमेज का मैंने साइज पहले से रिड्यूस कर चुका हूँ, और इसका जब ऑन पेज एसईओ करना है तो इसमें ऑल्ट टैग लगाना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे अब ये इमेज हो गया, यहाँ पे इस पे एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने ऑल्ट टैग लगा कर रखा है। इसी तरह से आपको ऑल्ट टैग में मेन कीवर्ड या रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो डालना होता है। तो इस तरह ये जो इमेज का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो ऐसे होता है। उसके बाद आपको जो है वो क्या करना होता है, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स बनाने होते हैं। इंटरनल लिंक्स जो होता है वो अपने ही ब्लॉग के, अगर आपका कोई ब्लॉग रेलिवेंट है इस आर्टिकल के तो उस आर्टिकल का यहाँ पे डाल सकते हैं, या इस आर्टिकल का जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपने और ब्लॉग लिख रखे हैं तो उसका यहाँ पर आप इंटरनल लिंकिंग करेंगे। ओके, और एक्सटर्नल लिंकिंग अगर आपको कोई रिसोर्स या आपने कहीं से कंटेंट उठाया है और उसको अपने ब्लॉग में डाल रहे हो तो रिसोर्स को शो करने के लिए आप एक्सटर्नल लिंकिंग करोगे, और उस सोर्स का जो लिंक है वो आप अपने ब्लॉग में डालोगे। डू फॉलो देना है, नो फॉलो देना है, ये आपके अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, उस ब्लॉग के अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। बाकी आपको यहां से एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग करनी होती है। तो ऑन पेज एसईओ में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग कैसे करनी है। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप देख लेना, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब ये हो गया, ये पूरा आर्टिकल हो गया, आपको क्या करना है ये पता चल गया। उसके बाद जब आप ब्लॉगर में हो तो आपको करना क्या है, यहाँ लेबल लगाना है। लेबल में क्या होता है, लेबल एक्चुअली एक तरह की मींस जो भी आपकी कैटेगरीज है वही लेबल होती है यहाँ पे। तो आपको लेबल लगाने के लिए यहाँ पे ऐड अ लेबल कर सकते हो, या पहले से जो आपने बना रखा है उसमें आपको बस टिक कर देना है। ये हो गया। उसके बाद पब्लिश डेट ये तो इसका कोई काम नहीं है, ये तो आप जब चाहो, अगर आपको जिस दिन आप लिखते हो उसी दिन ज्यादातर आप पोस्ट करते हो, बाद में करना है तो बाद का डेट डाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये परमालिंक। परमालिंक में क्या है कि परमालिंक में आपका जो मेन कीवर्ड होता है, परमालिंक मैंने बहुत सारे लोगों का ब्लॉग देखा है, उसमें क्या है कि परमालिंक जो होता है उनके जो ब्लॉग का लिंक होता है वो काफी बड़ा हो जाता है। गूगल वैसे लिंक को कोई प्रेफरेंस ज्यादा नहीं देता है, इसीलिए आप कोशिश करें कि आपका जो ब्लॉग या जो भी आर्टिकल है उसका लिंक जितना छोटा हो सके, अपना जो परमा लिंक है उसमें आप सिर्फ मेन कीवर्ड को ही इंक्लूड करो, ज्यादा लंबा पूरा टाइटल मत लिखो, ठीक है। पूरा टाइटल नहीं लिखना होता है यहाँ पे। आप अगर ब्लॉग अपडेट कर रहे हो, आप अगर आप ब्लॉग लिखे हो यहाँ पे जाओगे तो कस्टम परमा लिंक का आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है। जब एडिट करो तो आप पूरा जो मेन कीवर्ड है वो लिखो, और बीच में जो व्हाइट स्पेस है वहाँ पे आपको डैश या हाइफन ये देना होता है, ठीक है। इसमें परमा लिंक में व्हाइट स्पेस नहीं होता है, तो आपको सिर्फ मेन कीवर्ड यहाँ लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन, इसमें मेटा टैग होता है। सर्च डिस्क्रिप्शन में भी आप कीवर्ड जो है इंक्लूड करोगे, जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसको सर्च डिस्क्रिप्शन में आप डालोगे, ठीक है। तो ये इसका फुल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है इस ब्लॉग का वो इस तरह से करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरा जो ब्लॉग है इसका, इस ब्लॉग का मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेरा वर्डप्रेस का ब्लॉग है जिसका मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट दैट कैन आउटरैंक योर कंपटीटर। तो इस ब्लॉग को पर आपको जाना है, और यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि आपको ब्लॉग में क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद आप नीचे जाओगे, फिर कंटेंट रिसर्च और कलेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद इंक्लूड योर मेन कीवर्ड इन टाइटल, यूज द मेन कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे मैंने सब पूरा जो है सब डिटेल में मैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस ब्लॉग से मिल जाएगा। ओके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और आप आज के बाद आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है और ग्रुप का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसका कि आपका कोई भी क्वेरी होगा मैं उसका आंसर जो है वो आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।